Hello and welcome to our program. Youth, young people are invariably seen as potential. The word potential, by its very connotation, implies something which will manifest in the future. So, what happens to their present? Youth is the future of the country. How about youth is the present of the country? Youthhood is in the now, it's happening. It's living, it's learning, it's unlearning all the time. So, what does it take to shift the focus from the power of youth to power to youth? Is this somewhere linked to how young people view themselves and how those who can influence and control young people view these very young people? And if so, what are the various spaces where these gaps, these differences of opinion lie? if there are gaps, how can we bridge them? that's what we are going to talk about in today's program, which is the first in a series that we bring for you. let me introduce our panel today. we have with us vice chancellor delhi university, professor dinesh singh, dr. mira ramachandran, principal garki college, and mr. ravi gulati, who has worked extensively with young people, helping them transition the journey from self to society. and of course, we have this. wonderful lot of young people are very active audience दिनेश जी आपसे शुरुआत करते हैं अगर आपको अपनी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती तो आप कितने साल के होते जन्म तिथि मालूम होना मालूम हो, हो धर्मपत्नी से पूछिए तो कहती हैं तुम कभी-कभी एकदम दो दो साल के बच्चे की तरह बात करते हो <laughs> लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि उस समय मैं करीब 25 साल का माना जाता क्यों मैं 25 वर्ष की आयु के बाद कई मामलों में सोचता हूँ जब आगे बढ़ता गया कि उस समय की जो सोच थी मेरे काम आई बहुत और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो 25 वर्ष की वजह से थी या उस समय परिस्थितियाँ ऐसी कुछ थी हो सकता है दोनों का मेल हो परंतु उस समय एक तो आशावादी बहुत होते हैं हम लोग अनुभव भी थोड़े हम लोग हासिल कर लेते हैं ये दोनों का जो मिश्रण होता है उससे बहुत कुछ भला होने लगता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक क्रिटिकल टाइम मैं समझता हूँ और लिए अलग-अलग होगा। मैं अपने को उस समय मानता हूँ मेरा पेशा ही है कि मुझे 18 21 के साथ गुजारा करना पड़ता है एंड आई एम ऑलवेज ट्यूनिंग इन टू अ ड्यूअल रोल एक तो मैं खुद उन्नीस बीस साल की बन जाती हूँ कि उनको एस्परेशन समझें उनका नीड समझें लेकिन एक माँ और अध्यापिका के रोल भी करनी पड़ती है उनके साथ बात करते वक्त तब थोड़ा मिडिल जाती हूँ तो आई थिंक आई एम इन ड्यूअल जोन ओके सो व्हाट आर या रवि पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके साथ होता हूँ उसी की एज का हूँ अब आप मुझे पता है आप जैसे

डिपेंड करता है कि हम किसके सामने हैं उसी के लेवल की हम बातें करते हैं और वही हमारी एज हो जाती है हमने कुछ यंग लोगों से बात करी और पूछा कि वॉट डू थिंक ऑफ ओल्ड पीपल आप बड़ों के बारे में क्या सोचते हैं और कुछ मिडल एज ओल्ड पीपल से बात की और पूछा वॉट यू थिंक ऑफ यंग पीपल आइए उनके रिएक्शंस देखते हैं उनको जो यूथ अगर कर चेंज करने की कोशिश करता है या कोई भी चेंज करने की कोशिश करता है तो उस उस दौरान उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है प्रॉब्लम है कि वो कहती तो है कि हम नई जनरेशन के साथ मिलके काम करेंगे लेकिन वही है कि वो पुराने रीति-रिवाजों के चलती है फैमिली हैज नो इंपॉर्टेंस फॉर द एंड फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू देम ओनली टिल दे इट सर्व्स टू हेल्प देम मीट देयर नीड्स व्हेन यू आर स्लीपिंग दे आर अवे

उनके लिए ट्रेडिशनल होनी चाहिए सारी चीज़ें पापा मुझे ताने मारते रहते हैं कि तेरी उम्र में मैं इतना कमाता था, था उतना कमाता था, था और तू कहाँ गिटार सीखने जाता है सर वी थिंक वॉट एवर वी थिंक इज राइट आई मीन वी जस्ट वेरी इम्पल्सिव इन डूइंग थिंग जनरेशन लैक्स कमिटमेंट सिंसेरिटी इंटेग्रिटी एंड टीचर्स डोंट नो हाउ टू वर्क After seeing this, what really is 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 age? age age a a a a number? construct? Ravi, you can start. There's a whole set of of experiences we uh, collect over a period of time, right? हम इस दुनिया में हैं तो हमारे experiences का लेंथ ज्यादा होगा उसके साथ हमें थोड़ा विश्वास भी होने लगता है कि इतनी देर से मैं ये देख रहा हूँ तो ये तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ये सच है पर ये भी है कि समय बदलता है हर वक्त और हम अपने समय के एक तरीके से क्रॉप uh, होते हैं उसकी फसल होते हैं तो उस समय पे जो हमने देखा है और वो दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा समय है तो कहीं ना कहीं वो गैप तो आता ही है सो दिस थिंग वी कॉल द जेनरेशन गैप इज दे समथिंग कॉल्ड द जेनरेशन गैप होता है वॉट इज इट इट्स बेसिकली बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन दे थिंक कि हाँ इनके अच्छे के लिए हो रहा है बट Children don't understand that. or positive points, I'm going to now bring it to this side. Tineshji, is there something called a generation gap? Yeah, I guess you're right. Uh, can I just uh, make a few comments before I really come to answer your question. So you know what is the definition of wisdom or experience? Do you kids know that? It's said that wisdom is a comb that life gives you after you've lost your hair. <laughs> so, you know, as you go along, you see things and you learn and you experience and you may become wiser. However, just because you've experienced a great deal doesn't mean you're wiser. But that's the way you should go. You should become wiser with time. But don't confuse two things. You may or may not be wiser, but if you're truly wise, then you wouldn't have much of an ego. And have you heard the phrase "childlike simplicity? If you look at some of the really great souls look at Mahatma Gandhi, for instance, many of those associates who worked with Gandhiji have always recorded that there was childlike simplicity in him, a certain spontaneity, a certain commitment you know children are very committed no matter what they want to do so gandhi to my mind never really became old and if that happens and do you know if there was one person prior to gandhi who really moved the youth of india was swami vivekananda who died at a comparatively young age after that there were others but gandhi his lure for the youth his attraction for the youth increased as he got older and older so he never really turned old. why? he didn't have an ego. he had a certain childlike simplicity and spontaneity. and he was utterly sincere in whatever he did. so if you drop all these complex thinking processes that engulf you as you grow older and your self-interest is not allowed to overcome you, then, then you will find there isn't much of a generation gap. dr. ramachandran. i think generation gap is created because. The older people want the young to learn from their own mistakes, and the young feel they have a right to make their own mistakes. So, you know, the older people are looking back on a road they have crossed, taken, and the younger are looking forward to an unknown road. I think what is important to realize for the older people is the road itself has changed. You know, the, the landmarks have changed. The destination has changed. I think archal youth are much more empowered than they were when I was young. So Ake Power Kevaje say, I think it is having an effect on the older people. They are changing their conservative attitudes. They are being very, very accommodating and tolerant, allowing new experiments. तो आई थिंक द गैप इज टू एन एक्सटेंट रिड्यूसिंग इन एज बिकॉज ऑफ सो मच अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड आई होप यू विल एग्री मी लेट्स फ्रॉम रवि जी अगर मुझे मालूम है कि कुछ होने से कुछ नुकसान होगा किसी के ये करने से उसका नुकसान होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उसको वो करने से ना रोकूं स्पेशली अगर मैं उसके लिए केयर करता हूं या मैं उसको प्यार करता हूं एट द सेम टाइम मुझे मालूम है इसके ऊपर थोड़ा सवाल होना चाहिए क्योंकि जैसे वक्त बदलता है हो सकता है जो मैंने सीखा वो अब वैलिड नहीं है एक उदाहरण लिया जाता है कि एक छोटे से हाथी के बच्चे को सर्कस में एक जगह से बांध के रखा जाता है एक पैग के साथ क्योंकि जब वो उसको खींचता है वो पैग तो बाहर आता नहीं है उसकी गर्दन में दर्द होती है वो धीरे धीरे सीख जाता है कि भाई खींचने का फायदा नहीं है फिर वही हाथी विशाल भीमकाय बन जाता है और पैग वही काम आती है क्योंकि हाथी सीख चुका होता है कि अब तो खींचना नहीं है खींचने से तो दर्द ही होती है इवन दो वो उसको खींच के बाहर निकाल सकता है तो ये एक ईगो की बात करी दिनेश जी ने ईगो यहां पे भी आता है कि मुझे पता है मुझे मालूम है इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं बच्चों को मानना ही चाहिए पर एट द सेम टाइम हम भी ये देखें कि वो कहां से आ रहे हैं उनके पीछे भाव प्रेम का है प्रेम और उसका ऑपरेशन क्या है उसमें हमें सेग्रीगेट करना है और गांधी जी का ही मैं एग्जाम्पल लूँगा मुझे लगता है कस्तूरबा के साथ एक बचपन में जीवनी में जो मैंने पढ़ा था कि बचपन में उनकी तो बचपन में शादी हो गई थी तो कस्तूरबा मंदिर जाया करती थी बगैर पूछे गांधी जी से तो इनको लगता था कि मुझसे पूछ के जाना चाहिए तो हमेशा उनको बोलते थे पूछ के जाओ वो फिर सामने खड़ी मुस्करा देती थी लेकिन जाती थी बगैर पूछे करना वही तो कहते हैं मैंने सत्याग्रह वहां से सीखा कि जिसको मैं सच मानता हूं उस पर मैं टिका रूं लेकिन दूसरे के साथ मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है और समझने की जरूरत है वो कहां से बोल रहे हैं तो ये think, uh, एक एक आई थिंक प्रोसेस है जो में हमेशा ही रहेगा अनलेस वो कोशिश करे एक दूसरे को समझने की कि वो कहां से आ रहे हैं ओके okay, अब मैं एक जो स्टेटमेंट बोलूंगी आप लोग अगर उससे सहमत हैं इफ यू अग्री स्टेटमेंट आपने ग्रीन कलर कार्ड दिखाना है अगर आप सहमत नहीं हैं इफ़ यू विद द स्टेटमेंट आपने रेड कलर का कार्ड दिखाना है अगर आप न्यूट्रल हैं आप अपना डिसाइड नहीं कर सकते तो आप पीले कलर का कार्ड युवाओं को अपने माता पिता के साथ मत इकट्ठा कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए फॉर मेजर लाइफ चॉइसेस, अपने जीवन की बड़ी बड़ी चॉइसेस के लिए जैसे कि करियर मैं कौन सी कौन सी करियर में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ और शादी कितने इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? ओके okay. कितने सहमत नहीं हैं? हु डिसग्री एंड कितनों को पता नहीं कि करना चाहिए या पूछना नहीं चाहिए वाई कुंडू मेकअप व्हाट वॉज द कन्फ्यूजन जब हम चूज करना चाहते हैं कि हम क्या आगे परस्यू करें तो हमारे पेरेंट्स का होता है कि उसमें करो जिसमें फ्यूचर है पर यूथ में ये बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो फ्यूचर को अपना देखें कि उनको सक्सेस कितनी मिलेगी या फिर उनका इंटरेस्ट किसमें है थैंक यू हमारे जो मेजर लाइफ चॉइसिस हैं वो उसमें कुछ हिस्सा जो है हमारे पेरेंट्स का भी होना चाहिए और कुछ हिस्सा हमारा भी होना चाहिए क्योंकि आज के जमाने के अंदर जो है टाइम बदल गया है उस हिसाब से लोगों की सोच बदल गई है uh, लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं उनका कुछ नज़रिया और होता है उस चीज़ को देखने का समटाइम्स आई फील आई थिंक आई शुड टेक इनसे फ्रॉम माई पेरेंट्स बट वैन दे थिंक लाइक अगर दे वॉन्ट मी टू डू समथिंग विच हैज़ गुड करियर विच इज़ लास्टिंग लाइक द करियर शुड बी लास्टिंग इट शुड बी रिकगनाइज बट आई थिंक अगर मैंने कुछ पढ़ लिया है तो मुझे उसके बाद जो करना है वो मेरी अपनी चॉइस होगी so it depends. now i want to see the ones who showed me the red one. yes. i think when it comes to your own life choices, it can be really hard to keep in mind what you really want if you're constantly going to your parents and they're coming in with their own perspectives that can cloud your own. Um, so i think it can be nice to get their input, but as far as making the choice to keep it more. घर वाले हमेशा से यही चाहते हैं कि हम अपने आप में डिपेंड रहें लेकिन अगर हम अपनी चॉइस में डिपेंड नहीं रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा और जहाँ करियर की बात है वहाँ पे करियर अच्छा से आता है किसी के कहने से नहीं विद आर पेरेंट्स आपने ये फैसला क्यों लिया जब वो एक्सपीरियंस जब तक शेयर हो रहा है इट्स फाइन बट वैन इट्स इम्पोजिंग मेरे हिसाब से अग्रेशन से ज्यादा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना इज अ बेटर डील कॉमर्स से मैंने ट्वेल्थ किया उसके बाद माई डैड वॉन्टेड मी टू गो फॉर सी बट मुझे मुझे नहीं लगा था कि सी इज़ माई कॉप ऑफ टी I convinced my dad, Dad, I want to go for something very different. Uh, I want to be a journalist. I want to be an anchor. I want to go for mic. I want to have. I want to hold a microphone one day. Dad, us time pe unhone mujhpe confidence dikhaya, or he allowed me. Okay, beta, go for it. Yes, please. बैलेंस बनाना जरूरी है उनकी सोच में और मेरी सोच में वो अपना तर्क मुझे दे मैं अपना तर्क उन्हें दूं और अगर कुछ ऐसा हो सके जिससे uh, उन्हें भी दुख ना हो मुझे भी दुख ना हो दोनों खुश हो तो वॉट्स बेटर देन दैट डिसीजन इज ओनली अबाउट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स ओनली लाइक नॉट फ्रॉम नेबरहुड नॉट फ्रॉम सोसाइटी एज माईर इज आई जस्ट बिलीव इन मी ओके वंडरफुल आई एम नाउ मूव टू द पैनलिस्ट्स ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हियर इज इट क्रिटिकल दैट ओल्डर पीपल मस्ट हैव अ से और मस्ट एक्चुअली प्रोबेबली सम टाइम्स गेट टू चूज़ पढ़ाई के दस साल के बाद बच्चे ये कहें मैं तो नादान थी आप मुझे क्यों सही एडवाइस नहीं दिए यू नो दिस टू कैन हैपन मुझे यंग पीपल से यही एडवाइस है आप जो चाहते हैं कभी यू मे बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट विथ अ ग्लैमर कोशन कि मैं बॉलीवुड का एक्टर बनना चाहती हूँ मैं टीवी एंकर बनना चाहती हूँ आई वुड से कि जब आपके मन में एक, एक एस्पिरेशन है उस फील्ड के प्रोफेशनल से आप बात कीजिए कि उनके उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने फेस किया है क्या क्या इमोशनल ट्रामाज आ सकते हैं डू यू हैव द स्ट्रेंथ फॉर दैट टू विद स्टैंड दैट सफरिंग टू विद स्टैंड दैट हार्ड वर्क वो सब आप सोच समझ के एक डिसीशन ले लें फिर आई थिंक पेरेंट्स विल अग्री पेरेंट्स को यही फिक्र है कि आप बिना सोच समझ सिर्फ ग्लैमर पे जाके आप एक डिसीशन कर रहे हैं यू नो एंड दैट इज़ वेयर दे विल फेस दिस प्रॉब्लम आप क्यों मुझे एडवाइस सही नहीं दिया मैं तो ऐसे इनसेंट थी मैं तो इसमें ग्लैमर पे चली जाएँ पेरेंट्स हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दैट देट ऑल्सो इट तो एज आई सेड अगर सचिन तेंदुलकर पिताजी ने कहा हुआ क्रिकेट रविश पढ़ाई में ध्यान दो या अमिताभ बच्चन से करे सिनेमा माय गॉड तो क्या सोसाइटी वुड हैव लॉस्ट हम ये सब वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट कि आजकल बहुत फील्ड्स ओपन हो गए हैं बच्चों के हमारे जैसे लिमिटेड नहीं है सोशली प्रेस्टिजस कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है कि बहुत भी फील्ड्स ओपन किए हैं बट पेरेंट्स वांट द कॉन्फिडेंस कि आप जो चाह रहे हैं वो आप सोच समझ के आपने वो डिसीजन लिया है That is all. Dineshji, do parents always get to understand the child's perspective? Well, I'm glad my children are not here. <laughs> I can speak freely now. Well, I, it's important for both sides to understand what they're thinking about. But I think the primary duty, the onus, lies on parents to ensure that their children recognize their true selves. You know, in each one of us, there lurks a voice within. And the job of a parent should be to somehow create circumstances, situations, give guidance so that the child can catch that drumbeat within. And then to see how they can facilitate the march of their child in the real world in harmony with that drumbeat. And if they do that, then there will be success and goodness all around. However, they must also understand that nobody really has the final answers. Everybody. If you think that parents know everything, they don't. Each day in my life, when I deal with my children, and I've been dealing with them for some time now, I still don't know the answers, and we have to grow up and think and try hard. It's not easy. When I gave you the example of Mahatma Gandhi, his eldest, his child, Harilal, became extremely wayward. I honestly don't know whether it was Gandhi who committed a mistake, and I don't think Gandhi knew for all, for all we know. So be wary. Nobody should be under that impression that I know everything, not the children, not the parents. Be conscious, be a little alert, be a little humble, and allow that drumbeat to somehow come out, and then I think we will find the answers. Ravi. जो अभी करते हैं हमें सही लग रहा है लेकिन बाद में पता चलेगा वो मिस्टेक है पेरेंट्स को भी ये वरी है कहीं बच्चों को भी वो वरी है इसलिए वो दे आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन और जो इतना सारा हमने यहाँ ग्रीन देखा कि दे डू वॉन्ट टू हेयर वॉट पेरेंट्स हैव टू है देर नॉट कि हमने सुनना ही नहीं है आपको तो पता ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं तो अब जरा मिस्टेक्स को थोड़ा सा हम अगर ब्रेक करें mm -hmm. तो इट्स uh, इंटरेस्टिंग एक तरफ पे यू नो यू हैव अ हेनरी फोर्ड सेट आई डोंट केयर वॉट कलर कार यू बाय ज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक राइट चॉइस एम गिविंग योर चॉइस और कहीं वो होता है लर्किंग जिससे हम बात करते हैं कई बार हम सब के अंदर एक सही गलत की हमने कोई ना कोई धारणा बनाई हुई है और हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे आस पास दिस इज बियॉन्ड जेनरेशन किसी के पास ज्यादा पावर है एज पेरेंट्स मे बी देव मोर पावर बिकॉज दे कैन क्लेम कि भाई हम तुम्हारे बड़े हैं एंड हम तुम्हारा भला चाहते हैं चाहते हैं कि नहीं हाँ ऑफकोर्स चाहते हैं देफोर I I have a right to control you. You do not have a right to control me. Maybe it happens more. But कहीं ये भी उसको reverse भी game चलता है family में के uh, you know uh, <coughs> can can what I want you want a happiness ना mm -hmm. so can't I make my own choice mm -hmm. तो कहीं वहाँ भी हम control करने कोशिश करें. I think the most uh, important thing is can we hear really hear each other and hear each other's reasons. क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि बड़े लोग Uh, को कुछ नहीं पता आज के बारे में वो डेफिनेटली गलत है तो ये भी ठीक नहीं है और अगर हम ये कह रहे हैं वो बड़े हैं इसलिए उनको सब पता है तो वो भी ठीक नहीं है क्या बेटर है कच्ची रोटी या जली हुई यू नीड द राइट टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड बट दैट कैन ओनली कम वेन वी आर ऑल एबल टू शेयर ओपनली एंड बट एक और चीज़ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ जैसे अगर आप मेरे से पूछते हैं रेड या ग्रीन उठाने के लिए तो मैं तो uh, इसमें कुछ जोड़ कर ग्रीन उठा सकता था पर जैसा अभी दिया हुआ है मैं रेड उठाता और मैं उसको कैसे पढ़ता हूं कि शुड बिल्ड कंसेंसस जैसे मेरे पे कंपल्शन है मुझे कंसेंसस बनाना ही बनाना है मैं कोशिश करने को तैयार हूं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अपने पेरेंट्स के साथ कंसेंसस बनाने का जब मैं 20 साल का था और मैंने अपनी लाइफ की डिसीजन ली तो मेरे फादर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे अब मेरे सामने ये चॉइस है कि जो मैं बिलीव कर रहा हूँ बहुत स्ट्रांगली मैं उस पर चलूँ और चल के देखूं और सीखूं और फिर जिम्मेदारी लूं कि ये चॉइस मैंने ली है जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा या मैं कहूं कि आपने कहा चलो मैं ये कर लेता हूं अब मैं सुखी नहीं हूं मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है आप ही जिम्मेदार हैं आपके कहने पर मैंने माना अब आप उठाइए द नाइल नेवर ग्रो अप आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चॉइसिस आई मेक तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे पर यह कंपल्शन ना हो क्या हैव टू टेक मेक कंसेंसस लेकिन ट्राइंग टू मेक कंसेंसस इज अ डिफरेंट थिंग दैट मीन्स के आई एम ओपन आई एम आई हैव ह्यूमिलिटी मैं ये नहीं मान रहा मेरे पास सारे जवाब हैं और मैं सुनना चाहता हूं मैं समझना चाहता हूं और वो मैं एक और भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है कॉन्फ्लिक्ट में कैसे हम साथ चल सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो वी लव इच अदर सो बाय मस्ट वी पुट इट एज वी कैन नॉट कम ऑन द सेम स्पेस वी आर इंटेगनिस्टिक ओनली दिनेश जी parents see your rhythm and see their rhythm. Finally, it's the resonance and the matching of the rhythm. What can you do better to actually bridge this gap? कई बार ऐसा होता है कि हम बस सोचते रहते हैं कि हम जाके बात करेंगे पेरेंट्स से पर हम जाते नहीं हैं पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो बच्चे हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए तो ऐसा होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग की कोई आए और बात करे हमें खुद एक स्टेप अहेड लेना चाहिए हमें खुद एक कदम आगे बढ़ाने चाहिए कि हम जाएँ और बात करें हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमारा जो मुद्दा है मुझे सामने रखें बात करने के लिए कोई रेडी नहीं होता बच्चे यार सुनना नहीं है उन्हें बच्चे सोचते मम्मी पापा गलत हैं हम नहीं सुनेंगे और पापा को लगता है बच्चे तो मान ही नहीं रहे हम हमेशा अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं कि फ्रेंड्स हमारी बात समझते हैं और वही सुनते हैं पर पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो हम उनके पास जाए नहीं क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं वो हमें टाल देते हैं कि नहीं ये बात यहाँ पे नहीं करनी है ये क्वेश्चन ठीक नहीं था अगर वो कन्विंस भी नहीं भी हो रहे हैं तो जो हमने अपना फील्ड या टारगेट जो भी चूज किया है उसको सीरियसली लेके उसमें हम इतनी मेहनत करें कि एक अच्छी सक्सेस लेके अपने पेरेंट्स को खुश करें और कन्वेंस कर लें सो आई ना वॉन्ट हाउ डू पेरेंट्स टीचर्स एंड दिस Knowing fully well that I speak not just as a parent, but also a man who heads an institution where the young study. And the impression I keep getting is that parents tend to sort of overcrowd, overpower their own wards. So they need to step back a little so that the child, as I said, has a certain amount of focus in trying to listen to that drumbeat within. You must catch that drumbeat. And then you must march in harmony with that. And that is success. Success is not measured in terms of money, status, no. Success is measured in terms of inner contentment. And that contentment really comes when the values inside you allow you to march in life in consonance with them. So we need to make parents understand this. Don't overpower your children, allow them that space. But remember this, then children must understand that parents do have a certain amount of wisdom, and wisdom comes from all sources. So it can also come from your parents. And both sides must do this with a certain degree of harmony that everybody has said repeatedly. Mm -hmm. And if you do that, most of the time, I believe some good will come out of it, and there isn't a magic bullet answer. Remember this. Even catching the drum beat, you think you stay by yourself, you know what the drum beat is. It takes a little time, it takes a little conviction. Of course, there are a chosen few who figure out what the drum beat is very early in life. But it doesn't happen to all. And therefore, be conscious that if parents stay with you over a period of time, it will help you find that drum beat. Parents must also understand that. No immediate solutions, no, you have to do this and you can't do that. Ravi? Communication somebody pointed out really nicely, it's not about persuading the other. it's also being open to listen and learn from the other. so you have to keep that empty space. And trust was also of many layers. So when I don't go and talk to my parents first and go and talk to friends first is because I don't trust my parents to understand, which is different from I trust my parents in the sense that they will think good for me, that trust I have, but I don't have the trust that they will understand. It's another trust. We have to break that also apart. So, how can we create a space that we talk to each other with the trust that the other can understand? Which means we have to make our ways of communication sharper. We must be ready to give reasons why we are saying what we are saying. We cannot brush something off as an older person saying, You won't understand now. When you're my age, you'll understand. That doesn't wash. You see, young people are in a hurry. They don't want to go through this whole long drawn process, you know. And they see they're seeing a particular thing for them. Time seems to be running out. How do you get the patience to get that bind and build that buy -in? Let me give you some practical tips. Number one, allow a cooling off period after a heated discussion and disagreement. Don't storm out of the house. Don't say harsh words. You just say all right, I have put my point across, my father's put his point across, let us allow some cooling. Because the cooling may, the very fact that you have not taken a violent response will make him also a little more sympathetic, a little more open. The cooling of When we start the discussion shuru you that I have given a lot of thought to what you said. And I think there is a lot of sense in it. Pirbi, I just want to say, you know, the art of diplomacy. It is something you have to inculcate. And I'm personally a person who has never had too much patience. But life has taught me this. Life has taught me that this negotiating art has a time span with it. You know, you have to have that patience to allow that cooling off, to start again. With a more diplomatic approach, and so on, perhaps that will help you. Tanishi, understanding from a teacher's point of view, what can a teacher do to build this space? Well, one has to look. It's very important to realize that nobody has the final answer. Mm. Ramkrishna Paramhans, whom Mahatma Gandhi called a living God, so this is the father of the nation, calling Paramhans a living God. That's the status he has. And what does Paramhansa say about himself? That so long as I live, I learn. So nobody has all the answers. It's rare. Barring God, you don't have. Teachers must understand this. You don't have all the answers. We can only point towards what will lead to an answer. And even there, things could go wrong. But then there is never a last decision, there is never a last door. Doors will open. One must move with that philosophy. And I urge everyone, parents, teachers, students, to draw from the examples of the great ones. Learn from their lives. And you will find that many answers will begin to emerge, get clearer in your endeavors when that happens. There must be patience and wisdom all around. And young have a great deal of wisdom. Every single day of my life, i learn from my own children and i learn from students. the role of the teacher for this generation is changing. teachers don't give opinions anymore. you know, they invite opinions. there is an interactive method of imparting education. situations are created in which students are asked on how they would respond if that came to their personal life. as i said, i think the age gap,

Uh, but it's a good thing because it makes us less lazy. We have to think harder. My father had to be like could be really lazy. He said, nah, ye karna. Why? That question wasn't asked. Mm -hmm. so he didn't have to bother Aaj ke parents lazy ho sakte. it's good for them. they'll be sharper. you know the challenge makes you better. We keep talking of bridging the gap. Well, we're going to show you a short film of somebody who actually did justice. अगर एक बार रिएक्ट करते तो अपन वही चीज उनके ऊपर 10 बार रिएक्ट कर देते लेकिन अपने मन में ये माँ बाप एक बार भी क्यों कर रहे तो बड़े हैं समझदार हैं पूरी दुनिया देखे हुए हो तो स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं पैसा डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना घर वाले भी स्कूल भेजते हैं तो ये बनना वो बनना संबंध की बात तो कोई नहीं करता और सबको तकलीफ संबंध से ही है पैसा तो आती है कोई भी आदमी कमा लेगा आदमी को दो वक्त की रोटी खाना दिन भर में दो घंटा मेहनत करेगा कमा लेगा संबंध को कहाँ से खरीद के लाना है इसकी कोई दुकान है तो बताओ मैंने किया था तो पे ऐसी बात बोली गई कि कोई आदमी तुमको दुखी नहीं करना चाहता वो अपने आप को सुखी होने के लिए वो कुछ काम करता है उससे तुम दुखी हो जाते हो और कुछ नहीं है उसका दुखी करने का महत्व नहीं रहता वही चीज मैंने अपने ऐसा पॉइंट अपने आपने गौर किया कि पापा मेरे को दुखी नहीं करना चाहते थे अपना सुखी होने के लिए बोले कि नहीं बेटा मैं तेरे लिए ऐसा नहीं करूंगा किस साल का सब चीज़ ढोया हुआ है दिमाग में वो एक दो शिविर करने से नहीं होना है हाँ एक दो शिविर करने से रास्ता मिला उसमें अपन फॉलो अप कर रहे हैं पाँच दस परसेंट अपने को जीवन में अपने को अच्छा किए वो अपन दस परसेंट को भी सौ परसेंट तक करना है पहले तो मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता था इधर से उधर भग जाता था लेकिन आज की तारीख में पापा से आधा एक एक घंटा दो दो घंटा बात कर पा रहा हूँ ये तो मेरी लाइफ ऐसी की वैसी चलती दिन भर घूमो भटको घर वालों से लड़ाई करो आज की तारीख में रहता हूं और घर वालों के साथ कभी कभार घूमने जाता हूँ जो आज तक नहीं गया घर वाले वालों जान ही नहीं ऐसा बोलता था आज चले जाता हूँ घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ सब चीज बहुत पॉजिटिव चीज मेरे को लगती है और उस चीज से घर वाले भी खुश हो रहे हैं नहीं थोड़ा तो समझ रहे friends families leisure entertainment relationships there are so many areas that all of us work at in life these are all individual areas majorly for spaces of family friends career and leisure but actually all these are individual spaces there is one space where we collectively come together that's the space where we talk about ourselves where we think about ourselves maybe listen to ourselves because then that helps us understand the other spaces. well, we did try and understand some of that space today. as we said earlier, this is the first in a series of programs where young people and people of the older generation, people who work with young people are going to come together to understand how do we create that fifth space. until next time, till we meet again, let us all sing to that fifth space. हो गया हूं मैं जो खोलूं दरवाजा देखूं सामने कोई अपना बुन रहा लाखों में अपनों के मन का सपना जिंदगी की उलझनों में खो गया हूं मैं आखि फिर भी सो गया हूं की है हमको अजब बीमारी सोलह से पच्चीस की उम्र तो मॉल में बीती सारी जिंदगी की उलझनों में खो गया हूँ मैं आंख है खुली फिर भी सो गया हूँ मैं का साथ दे दस फूल यहाँ दिखने के प्रेशर को भी कैसे दूर करूं? जिंदगी की उलझनों में हो गया हूँ मैं आंख है खुली फिर भी सो गया हूँ मैं जोब से कर ली यारी, यारी। जिंदगी की उलझनों में खो गया हूं मैं आख है कुली फिर भी सो गया हूँ मैं फैमिली से छुट निकले फ्रेंड की प्लेस मनोरंजन और करियर क्या यही है पोस्ट नंदा न धड़कनों से जिंदगी को छुड़ा के सब उलझनों से दिल सब धड़कनों से जिंदगी की उलझनों से सीख लूंगा मैं बाहे है खुली अंबर चुम लूंगा मैं जिंदगी की उलझनों से सीख लूंगा मैं हैं खुली अंबर चूम लूँगा मैं